सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज शिवम ठाकुर। तो गाइज, हम आ चुके हैं चंबल घाटी के बीच, और आज जिस जगह खड़े हुए हैं, यहाँ से डकैत इस रास्ते से जाते थे, और देखते हैं उसी रास्ते पर हम भी जाने वाले हैं। कहाँ निकलते हैं, कैसी लोकेशन होती है, किस लोकेशन पे निकलते हैं, कैसा रास्ता है, तो आप कंटिन्यू वीडियो में बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। चलते हैं, देखते हैं कैसी लोकेशन होती है, कैसा रास्ता होता है। और आज मैंने डंडा भी ले लिया है अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि सेफ्टी जरूरी है, इसलिए अगर कोई जानवर मिलता है खतरनाक तो उससे बचाव के लिए। तो चलिए हम चलते हैं और देखते हैं कैसा लोकेशन है, कैसा रास्ता है। तो गाइस, देख सकते हैं आप कि पूरा चारों तरफ सुनसान सा माहौल है। किसी की भी आवाज नहीं आ रही चारों तरफ कहीं से भी। कितना लंबा रास्ता होता है, क्या होता है, आगे चल के देखते हैं। जो कुछ भी होगा, जो होगा पूरे आपके सामने लाइव होगा, और जैसी लोकेशन होगी वो आप देख लीजिए। तो गाइज, इंसानों का डर नहीं है, बट डर है जानवरों का, इसलिए मैंने आज डंडा ले लिया है। कोई खतरनाक जानवर मिलता है, कोई कीड़ा मिलता है, कुछ मिलता है, तो उससे बचने के लिए हमने डंडा ले लिया है आज। तो देखते हैं, अभी तो चलते जा रहे हैं, और जितने आगे जा रहे हैं उतना घना जंगल होता जा रहा है, उतनी रास्ता अजीब सी होती जा रही है, रास्ता छोटी होती जा रही है, देख सकते हैं आप। मोर बोल रही है यहाँ आसपास, बस मोरों की आवाज और चिड़िया की आवाज बोल रही है। तो बने रहिए कंटिन्यू, देखते हैं कहाँ निकलते हैं आज, किस जगह निकलते हैं। रास्ता बहुत टेढ़ा मेढ़ा है भाई, देख सकते हैं।
इधर से तो गाइस इधर रास्ता बहुत पतला हो चुका है और हाँ ऐसा तो नहीं गलत रास्ते में आ गए हूँ। तो आई थिंक गाइस मुझे ऐसा लग रहा है मैं कैसे गलत रास्ते पे आ रहा हूँ, गलत रास्ते पे जा रहा हूँ। देखते हैं आगे चल के क्या होता है। रास्ता तो वही है, छोटा कैसे होगा इतना। तो गाइस रास्ता तो वही है, ये छोटा कैसे होता जा रहा है। जब हम इस रास्ते पर आए थे तो काफी बड़ा रास्ता था, काफी चौड़ा था, काफी ज्यादा जगह थी रास्ते में। तो अब गाइस ओनली बहुत छोटा रास्ता हो चुका है और रेत रेत आ चुकी है रास्ते में। रेत कहाँ से आ गई, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। चलो देखते हैं आगे चल के क्या होता है, कहाँ निकलते हैं हम, कैसी लोकेशन रहती है, हम जहाँ निकलते हैं वो। दूर दूर तक गाइस कोई नहीं दिख रहा है, आगे ऐसा लग रहा है गाइस गाइस आगे ऐसा लग रहा है ऐसे रास्ता खत्म होने वाली है। आई थिंक रास्ता यहाँ पे खत्म हो चुकी है और मिट्टी बहुत गीली है, क्या चक्कर है। जो मिट्टी पे हम चल रहे हैं, रास्ते पे हम चल रहे हैं वो तो काफी गीला हुआ है। तो गाइस देखिए कुछ इस तरीके का रास्ता, बाहर निकल के आ चुके हैं हम। तो गाइस रास्ते से हम बाहर निकल चुके हैं और आई थिंक नदी के किनारे पर निकले हैं, जो चंबल नदी है उसके किनारे पर निकले हैं। तो देखते हैं जाके आज आपको नदी का भी व्यू देने वाले हैं, अगर नदी है पास में तो चंबल नदी दिखाने वाले हैं। तो बने रहिए कंटिन्यू वीडियो में, वीडियो जो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, लोकेशन हमारी बहुत जबरदस्त होने वाली है। तो गाइज जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम नदी पर निकले हुए हैं, चारों तरफ देख लीजिए हम नदी के पास में निकले हुए हैं। तो हम जाने वाले हैं नदी के पास और देखते हैं अभी गाइज जो चंबल नदी है उसमें काफी सारे बड़े बड़े मगर आ चुके हैं, मगरमच्छ। तो नदी के अंदर तो नहीं आ सकते, काफ़ी खतरा है वहाँ पे, इसलिए हम आपको बाहर से ही नदी को दिखाते हैं। और देख सकते हैं आप कितना अच्छा व्यू दिख रहा है, देखिए मेरे चारों तरफ देखिए बहुत अच्छा व्यू है। और गाइस
मुझे पता भी नहीं था कि नदी पर निकलेंगे आके। देखिए गाइज मिट्टी कैसी हो चुकी है, मिट्टी में कितनी अच्छी डिजाइन बन चुकी है। आई थिंक पानी यहाँ तक आ चुका था, कुछ टाइम पहले आया होगा। तो काफी उफान पर थी चंबल नदी गाइज, काफी उफान पर थी कुछ दिन पहले। तो हम चल रहे हैं नदी की ओर, बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। आप कंटिन्यू वीडियो में बने रहिए। एक बार आज आपको नदी दिखाते हैं, चंबल नदी का लोकेशन दिखाते हैं आपको। इस जगह कभी किसी टाइम पे खून की नदी बहती थी। बट अब ऐसा कुछ नहीं है, अब डकैत नहीं रहे, अब बागी नहीं रहे, ठीक है। तो चलिए दिखाते हैं हम नदी को, बने रहिए आप कंटिन्यू वीडियो में। काफी शानदार व्यू होने वाला है। देखते हैं नदी के पास तक पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते। कोई नहीं, अगर पास में नहीं पहुंचेंगे तो आपको जूम करके दिखा दूंगा मैं। बस बने रहिए वीडियो में कंटिन्यू। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी जबरदस्त वीडियो आती रहेंगी। और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगती है। एंड कोई क्योरी हो तो जरूर बताइएगा, कोई क्वेश्चन हो तो जरूर कमेंट कर लीजिएगा। तो चलिए हम आ चुके हैं नदी के पास, तो चंबल नदी है उसके पास आ चुके हैं हम। आपको नजारा यहाँ पे बहुत अच्छा शानदार नज़ारा आ रहा है, नज़ारा दिखाते हैं हम आपको। देखिए बहुत अच्छा व्यू है। अभी इधर जिस जगह हम खड़े हुए हैं यहाँ पे नदी कम चल रही है, थोड़ा दूर में हूँ मैं, तो आप देख सकते हैं कितने बड़े एरिया में फैली हुई है नदी। एंड चारों तरफ जंगल ही जंगल है गाइस। मैं आपको एक बार जूम करके दिखा देता हूँ कि चारों तरफ जंगल ही जंगल है, देख सकते हैं आप। चारों तरफ जंगल है। जंगल और भेड़ ओनली, और कुछ नहीं है। तो गाइस आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी जबरदस्त वीडियो आती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड जय हिंद।